आपने क्या नाम बताया अपने शहर का? एरिया डीजी खान का है। डीजी खान मतलब डेरा गाजी खान आपने बताया? डीजी खान भी कहते हैं, डेरा गाजी खान भी कहते हैं। जी जी, ओके ठीक है। आपने क्या नाम बताया अपने गांव का? जी, ये दरबार पीर फतेह शाह एरिया लगा हुआ है, लेकिन वो एक किलोमीटर से आगे सिग्नल भी नहीं आते। जब लाइट होती है तो उस वक्त सिग्नल आता है, लाइट चले जाए तो फिर सिग्नल भी चले जाता है। तो हमारा गांव है, एक बार बारिश आए तो फिर 24 घंटे 48 घंटे लाइट गायब होती है। ये आप कहीं चेक करवाए, आपकी टीम ने नोट भी कर लिया है क्या मसला है? अभी तक मसला नहीं हुआ। 13 तारीख को आपकी टीम ने टाइम दिया था कॉल की थी, लेकिन वो फिर हमने इंतजार किया, अभी हमने सोचा दोबारा पूछ ले क्या इशू है। जी जी, मैं पूछ सकता हूँ, रिपीट कर रही हूँ, काइंडली सुनिए। 0305 ओके, दूसरा नंबर जो आप ऐड करवाना चाहें अपना इस कंप्लेन में, इस कॉल बैक में, मतलब ये वाला नंबर ऐड कर दीजिए। यही वाला ऐड कर दो जिस पर मैंने कॉल किया। चलिए ठीक है, ओके। सर, मैंने जो फजल आपकी कॉल बैक अरेंज करवा दी, इंशाल्लाह आपको 2 घंटे के लिए कॉल रिसीव हो जाएगी कंपनी की तरफ से, अपने नंबर का ही वाला। जी जी, हालांकि आपकी टीम ने खर्चा किया, सब कुछ किया, एक साल पहले इमरजेंसी 900 रुपए था, 4-5 माह हो गया, आपकी टीम ने टावर के ऊपर पोस्टर वगैरह लगा दी दूसरी कंपनी का, लेकिन सर्विस आती है जब लाइट होती है, लाइट नहीं आए तो फिर सर्विस भी नहीं आती। ओके जी जी, मैंने भी हर चीज मेंशन कर दी है जैसा कि आपने बताया, तो आप वेट करें, इंशाल्लाह जल्दी कंपनी आपसे रब्ता करेगी। जी जी, हालांकि शहर में आपकी सर्विस है, बहुत सारे टावर भी लगे हुए हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम, रॉन्ग टॉयटी हेल्प से बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक, आप सुनाए जी, कुछ भी ऐसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, मैंने कंप्लेंट करवाई थी आपकी टीम को, तकरीबन 15-20 दिन हो गए, आपकी टीम ने 13 मई का टाइम कंप्लेंट किया, उसने कहा 2 घंटे के अंदर अंदर आपको बताएंगे, बैकअप टीम से कॉल आएंगे, तो वही जानना चाहते हैं। मैं सपोर्ट डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ सर। जी, मैं चेक कर ली थी, मुझे कंप्लेंट रेफरेंस नंबर अपना बता सकते हैं प्लीज? याद नहीं है इस वक्त, मैं आपको नंबर बता सकता हूँ जिस नंबर से मैंने कंप्लेंट करवाई थी लास्ट कंप्लेंट। आपकी टीम ने रब्ता भी किया था, रिस्पॉन्स दिया था कि 13 मई तक मसला हल हो जाएगा, लेकिन 8 मई को भी मैंने कॉल की थी, 5 को भी कॉल की थी, उसने कहा आप जो है ना, आपको टाइम तो दिया 13 मई का, उस वक्त मसला हल हो जाएगा। 13 मई के बाद मैंने कंप्लेंट नहीं की, ना मसला हल हुआ, फिर मैंने कंप्लेंट नहीं की। और मसला जी, आपकी जो लोकेशन है नियर दरबार पीर फतेह शाह विलेज। जी, डेरा गाजी खान 17 किलोमीटर दूर है हमारे लोकेशन से। हाय जी खान, ठीक है, 1 महीना हो गया आपको मसला आ रहा है? साल पहले हमारे एरिया में इमरजेंसी 9 सर्विस था और 4 माह हो गया, आपकी टीम ने कुछ सर्विस दिया, लेकिन जब लाइट होती है तो उस वक्त सिस्टम चलता है, लाइट चली जाए तो सिस्टम बंद हो जाए, सिग्नल नहीं मिलते। फिर आपकी टीम ने लोकेशन वगैरह पूछी, एड्रेस पूछा, वो सब कुछ मैंने मेंशन किया था, बताया था, और आपकी टीम ने बताया था वो जो ना बैकअप का जो हमारा सिस्टम है 2 घंटे का, और 13 मई तक आपकी टीम ने दोबारा में टाइम दिया था कि मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये तो मैंने सोचा दोबारा पत्रकार उस कंप्लेंट का क्या बनना है, मसला हल होगा नहीं होगा क्या है, इसलिए वो मैंने दोबारा रखा दिया। बिल्कुल सर, आपकी इस हवाले से कंप्लेंट जो मेरे पास शुरू हो रही है ना, 27 और 28 तारीख को आपने कंप्लेंट करवाई थी अप्रैल। तो सर, आपकी जो कंप्लेंट, आपका जो एरिया है ना, वो ऑलरेडी हमारे अंडर कंसिडरेशन है, और हमारी टीम इसमें काम भी कर रही है कि एज सून एज पॉसिबल इसमें इन्वॉल्व हो, आपके एरिया में जितने भी हमारे रिपोर्टर है ना, वो मैक्सिमम कंडीशन पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। और मजीद बेहतरी के लिए ना कुछ टाइम दरकार होगा, अब वो टाइम कितना होगा ये तो हमारे पास मेंशन नहीं है, जो हमारे नेटवर्क डिपार्टमेंट की तरफ से फीडबैक आया ना, तो आप वेट कर लें, एज सून एज पॉसिबल इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। पहले फिर आपकी टीम ने क्यों हमें बताया था 13 मई को मसला हल हो जाएगा, आपकी टीम ने भी कॉल भी किया था, आप नोट करें ना, आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ रहा होगा। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल यहाँ से चेक कर सकती हूँ, लेकिन ऑलरेडी सर इशू हाईलाइटेड। कितना वेट करें, आपकी टीम शहर में काम कर रही है, न्यू टावर वगैरह भी लगा रही है, उधर तो लगा हुआ है, सिर्फ वो जाना यूपीएस लगाना है या जो भी इशू है जनरेटर लगाना है, वो कुछ करना है ना, ऐसे अगर आप सर्विस देखो बंद करो, लाइट चली गई तो सिग्नल भी चले गए, फिर ना कॉल हो सकती है ना इंटरनेट चलता है, फिर क्या फायदा नेटवर्क इस्तेमाल करने का आपका, हमें पता है।
हमारे तो पैसे गए हो रहे हैं ना। मैं आपकी बिल्कुल बात को अंडरस्टैंड कर रही हूँ सर। मैं फिर ऐसा करती हूँ, आपका कंसर्न दोबारा रेज कर देती हूँ। आप दोबारा वो करें ना, रिफ्रेश करें हमारी कंप्लेंट। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब देखे सिग्नल नहीं थे, हमने नंबर ही बंद कर दिया। जब सिग्नल होंगे तो नंबर चलाएंगे। बिल्कुल हमारे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, वो कॉल करते हैं, नंबर मिलता नहीं है। फिर हम आप बताएं कैसे आपका नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे। अभी आप कौन सा यूज कर रहे हैं? टेक्नो LD7। ठीक है। इंडोर इशू आ रहा है आउटडोर या बेसमेंट में सर? इंडोर भी और आउटडोर भी। गाँव के अंदर सिर्फ एक ही टावर होता है, अगर वो बंद तो पूरा इलाका बंद। ठीक है सर, मैं ये मेंशन कर दी। सबसे जो आ रहा है जी, चार माह से इशू आ रहा है। एक साल पहले इमरजेंसी नो सर्विस था, चार माह हो गए। कुछ बेसिक किया आपकी टीम ने, लेकिन जब लाइट होती है सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाए सिग्नल भी चले जाते हैं। ठीक है, आपका कोई और आपका नंबर है? ठीक है सर, मैं आपकी से इस हवाले से मैं कंप्लेन दोबारा से हाईलाइट कर रही हूँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ। उसमें मैंने लास्ट कंप्लेंट का रेफरेंस भी ऐड कर दिया। ठीक है, और जिस नंबर की कंप्लेन करवाई है 0305 97, ये आपका कंप्लेंट रेफरेंस नंबर है। 48 घंटे के अंदर ना हमारी कंप्लेंट जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, वो खुद आपसे कंप्लेंट के हवाले से रब्ता करेगा। तो आप वेट कर सकते बात करूँ। डेवाली खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह सर, लातारात कम्प्लेंट की है लेकिन अभी तक हमारा मसला नहीं हुआ। क्या मसला है सर जी? एक तो सिग्नल नहीं आते, दूसरा इंटरनेट नहीं चलता। 5531 जी, 531 लास्ट में कॉल करेगा। इंटरनेट पर तो देखें जी, अभी पैकेज नहीं है सर, क्योंकि चलता नहीं है, पेपर नहीं लगवा रहे, आगे ईद भी आ रही है। तो इसमें ये क्या आप एक बार इसमें पैकेज लगवा लें इंटरनेट और उसके इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो लगता है तो मैं कॉल करके बताइए। सर जी आप चेक तो कर लें, पिछले कंप्लेंट मैंने किया, आपकी टीम ने भी कॉल किया, वो कह आपके एरिया में इशू है। आपको तो पता नहीं है, जो आपकी इंजीनियर टीम है उनको ज्यादा मालूम होती है ना। सर जी दूसरा नंबर मेरा है, आप उधर चेक कर लें, आप इस बात तो पैकेज आए जी। पैकेज यूज कर रहे हैं सुबह 6 से शाम 6 तक। कॉल कर रहे हैं, कौन से शहर से बोल रहे हैं? शहर डीजी खान है, वैसे गांव है, कभी कभी शहर में आ जाते हैं। गांव कौन सा था? गांव है एरिया दरबार पीर फतेह शाह है। तेरा गाजी खान तहसील जी जी, डीजी खान में। कौन सा यूज कर रहे हैं? इंफिनेक्स। इंटरनेट का मसला? एक साल पहले इमरजेंसी नो सर्विस था, तकरीबन 4 माह हो गया, आपकी टीम ने दूसरी कंपनी का टावर लगा हुआ था, उसी के ऊपर बोस्टन लगा गई। आपके एरिया में ना वीक कवरेज है, इसलिए आपके उधर ना टावर लगाया जाएगा। हमारी कंट्रोल टीम को बता दिया है, वहाँ पे प्लान कर रही है आपके एरिया में टावर लगाने के लिए। देखिए तो आपके इलाके में मैडम जी, हमें तो 2-3 साल हो गए मुसलसल हम कंप्लेंट कर रहे हैं, वो भी हम जब शहर गए तो उन्होंने हमें बताया। पहले तो हम सोचते थे कि कंपनी खुद आती है मसला हल करके, ये तो अब गए हम कंप्लेंट भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा। और जिस जगह से हम बैठे हुए हैं तकरीबन 6 किलोमीटर आगे एक साइड है द्रामा, वो भी एक विलेज है, ये द्रामा है मुल्तान रोड पर, उस लोकेशन के ऊपर आपका पहले से एक टावर लगा हुआ है और आपने 2 किलोमीटर की रेंज में दूसरा न्यू टावर उधर दे रहे हो, जहाँ ऑलरेडी सर्विस है, जहाँ सर्विस वीक है, जो भी मसला है उधर तो आप लोग कुछ करें, जहाँ ऑलरेडी एक टावर लगा हुआ उधर ही आपकी टीम दे रही है सर्विस। जिसे माजर चाहे हैं, आपके इलाके में नेटवर्क की मुमकिन बेहतरी कर दी गई है, मजीद बेहतरी के लिए नेटवर्क में तोसी दरकार है, जिसके लिए आपका इलाका जेरे गोर है। पेश आने वाली जहमत के लिए हम माजरत खाएं, आपके तावन का शुक्रिया। देखो वो तो आपकी बात ठीक है, ये हम कंप्लेंट भी करवा रहे हैं, बार बार आपको बता भी रहे हैं, आपको भी पता ही चेहरे में क्या इशू है, क्या मसला है। आप तो बैठे हो बड़े शहरों में, मुश्किल हो रही है हमें, और डीजी खान शहर में भी चले जाए, उधर भी आपके नुमाइंदे रहते हैं, वो भी अपना मसला हल करवा लेते हैं, नहीं होता तो हमारे गांव का इलाके का मसला नहीं होता।
नहीं सर, आपने जो पहले कंप्लेन करवाई हुई है ना, तो वो घेरे गोर है, हमारी टीम तक वो बात चली गई है, तो इसलिए आपके इलाके में टावर लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके टाइम नहीं पता किस टाइम तक लगेगा, लेकिन ये घेरे गोर है आपका मसला, हम वहाँ पे आपके इलाके में बेहतरी के लिए की जाएगी। मैडम मैडम जी देखे ना, आज जदीद दौर में भी किसी जंगल में जैसे रहे हो, कई बार हमने नादरा वैन मंगाई वो भी वापसी चली गई थी नेटवर्क इशू की वजह से, और पहाड़ों के अंदर आप लोगों ने सर्विस दे रखी है, उधर फौजी सर्विस गई हुई है, लेकिन नहीं है तो हमारे गांव में नहीं, लोग तो व्यस्त ऐसा सिमें तोड़ रहे हैं क्योंकि चलता कुछ नहीं है, बहुत सारी आबादी है, बहुत सारे यूजर है, अब दूसरी कंपनी ने इस एरिया में टावर लगाया और जो है ना एक बंदा तीन तीन चार चार सिमें ले रहा है, उसी नेटवर्क के ऊपर जा रहे हैं, जो आपके यूजर है वो भी उसी के ऊपर जा रहे हैं, आप कुछ करें, आपका नेट फास्ट होता है उसका, लेकिन नेट भी नहीं चलता, अलबत्ता रात को चलता है, लेकिन आप कुछ करोगे तो साफ है आपके यूजर और भी बढ़ेंगे, वो दूसरी कंपनी वाले वो भी आपके नेटवर्क के ऊपर आएंगे, अगर आप लोग ऐसे बातें करते रहोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर हम भी छोड़ देंगे आकर एक दिन, दो तीन साल हो गए मुसलसल कंप्लेंट करवा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, मेरे पास भी दो तीन नंबर थे, अब तीन नंबर थे, अब मैं दो पर आ गया हूँ, इसी तरह इस तरह छोड़ रहे हैं आपके नेटवर्क लोग। जी सर माजरत है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि आपकी हमने ये बात आपने पहले कंप्लेन करवाई हुई है, तो ये हमारी कंपनी ने नोट कर ली है, आपके इलाके में टावर लगाया जाएगा, लेकिन अभी टाइम नहीं पता किस टाइम तक लग जाएगा, लेकिन तो सी दरकार है, आपका इलाका सर को वो तो आपकी बात ठीक है, टावर लगेगा या ना लगेगा, साल लग सकता है, दो साल लग सकते हैं, छह साल लग सकते, एक माह भी लग सकते, पंद्रह दिन भी लग सकते, कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन जलील तो हम हो रहे हैं ना, ये भी देखे ना आप लोग, और हम भी नहीं पूरा इलाका जलील हो रहा है ना, आप देखे इस एरिए से कितनी कंप्लेंट आई हुई है, एक मेरी कंप्लेंट तो नहीं है, और भी कंप्लेंट आई हुई होगी आप लोगों के पास, लेकिन कुछ नहीं कर रहे आप लोग, हालांकि शहर के अंदर ऐसी थोड़ी लग जाता है, वो तो मुझे भी पता है, आखिर प्लान होता है, खर्चा होता है, देखना पड़ता है कि लोकेशन पर लगना है क्या मसला, अगर वो तो मुझे पता है, टाइम तो आखिर लगता है, लेकिन आप देखे ना हमारी साइड पर दूसरी साइड है ड्रामा, छह किलोमीटर आगे है, उधर ऑलरेडी एक टावर लगा हुआ है, आप लोगों ने दो किलोमीटर की रेंज में दूसरा न्यू टावर लगा रखा है, वो भी तो आखिर उधर जरूरत नहीं है, उधर आप लोग दे रहे हो, जहाँ जरूरत है उधर एडजस्टमेंट आपका लोग कर लेते हैं, इमरजेंसी में देख लो ना, जो साइड इमरजेंसी में हो उस साइड पर आप लोग दो ना, ये तो नहीं एक टावर लगा हुआ है दूसरा जो है दो किलोमीटर की रेंज में फिर दे रहे हो, इसी तरह डीजी खान शहर में भी चले जाए एक किलोमीटर की रेंज में तीन चार टावर नजर आएंगे आपको, वो भी अगर लाइट हो तो चलते हैं, लाइट ना भी हो फिर भी चलते हैं, अगर एक टावर बंद है या कोई फनी खराबी आ गई दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं शहर वाले, गांव वाले जो है ना एक टावर होते हैं चार पांच किलोमीटर आठ किलोमीटर की रेंज में और कोई नहीं होता, जब वो बंद हो तो फिर पूरा इलाका बंद हो जाता है, इसी तरह आप लोग भी कुछ करें ना, हम तो दलील हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है हमारा, हमें परेशानी हो रही है, आप लोग जल्द से जल्द मसला हल करवाएं, जितनी कंप्लेंट करवा चुके हैं बार बार, लेकिन मसला नहीं हो रहा, कभी आपकी टीम कहती है ये जो है ना इसी तरह होगा, कभी क्या पता नहीं क्या जवाब देकर आपकी टीम थक चुकी है, हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल है और एक सिम है, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बता सकता हूँ अपने एरिया की अपने इलाके की लोकेशन की, आपके पास तो मुकम्मल सिस्टम है, नेटवर्क है, कंट्रोल करते हो सिग्नल कैसे है कौन सी साइड है कि ये सब कुछ आपके पास तमाम तरह सहूलियात है, लेकिन हमारे पास कुछ हम नहीं बता रहे हैं, सिम और मोबाइल तो इसी तरह मेरी नेटवर्क है। जी सर मैं बोल रही आपकी कंप्लेन नोट कर दी गई है, मैं आगे भी अपडेट कर देती हूँ, आप इस मसले को हल किया जाएगा, ठीक है जी, वो तो ठीक है, आप देखे ना हम घूमते हैं फिरते हैं डीजी कान में आसपास चाहे गांव हो चाहे दूसरी भी जगह है, उधर आप लोगों ने सर्विस दे रखी है 4G, लेकिन नहीं है तो हमारे एरिया में सही नहीं है, सर आपके मसले को जल्दी जल्द हल किया जाएगा, अब हम क्या करें दोबारा कंप्लेंट करवाएं या वो दूसरी बात, मैं अब कंप्लेंट की है ना कुछ दिनों के बाद मैं दोबारा रब्ता करूंगा कंप्लेंट करूंगा, आपकी टीम कहेगी हम आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, वो कंप्लेंट जाती है आपकी टीम, ये तो सूरत हाल है, सर आप अपना नंबर बताइएगा, नंबर चेक करके आपकी कंप्लेंट, मुझे आपने नंबर बताया,
जी 0305। हाँ जी, मैंने ये चेक कर लिया, मिलता नेक्स्ट टाइम आप कॉल करें तो तब भी अपना नंबर बताइएगा, आपकी कंप्लेंट को भी चेक कर सकते हैं। चलें, वो बाकी बात ठीक है, ये लोकेशन वगैरह आपने मेंशन कर दी है? हाँ जी, ये पहले से आपकी लोकेशन मेंशन है। चलें ठीक है, फिर से कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जूम लगे हुए हैं, जूम की कंप्लेंट आपके अभी इन प्रोसेस है, उस पर कोई रिमार्क्स अपडेट नहीं हुए। अब तक जो रिमार्क्स अपडेट हुए वो आपको बता देता हूँ, रास्ते में रहिएगा। और जूम की भी कंप्लेंट की है सर? जोन वाले कह रहे हैं कि आपकी जो लोकेशन है, आप टावर से तकरीबन साइड से 1.4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसके लिए जी यहाँ पे 1.4 किलोमीटर बताया गया है, और यहाँ पर एक नई साइट प्लैंड है कि इस लोकेशन पर मजीद सर्विसेज की बहाली के लिए बूस्टर्स या टावर से लगाने हैं आपके नेटवर्क में, लेकिन आमदगी पाबंदियों के बायस फिल वक्त ये मुमकिन नहीं है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश यही है कि इसको एज सून एज पॉसिबल हल कर दिया जाए। तो ये आपके जोन के रिमार्क्स अब तक के थे, तो इसके अलावा आप यू फोन का पूछ रहे थे सर। जी सर, कम्प्लेन में भी आपसे यही कहा गया कि कोऑर्डिनेट्स दुरुस्त प्रोवाइड कीजिए। सर जी, कोऑर्डिनेट हमारा तो वही है ना जो पीछे लगे हुए हैं, बाकी कम्प्लेंट सर उससे आपकी लोकेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा पारा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो कोऑर्डिनेट्स दुरुस्त नहीं माने जा रहे। टाइम भी बताइए किस टाइम पर नॉर्मली ज्यादा इशू होते हैं, और इनडोर इशू है या आउटडोर है? पर अगर हीट मैप है तो आप उससे 3G 4G के जो सर्विसेज आ रही है आपके पास उसका स्क्रीनशॉट भी लेके अटैच कीजिए सर। वो PDF में कन्वर्ट करके अपलोड होंगे, डायरेक्टली अपलोड नहीं होते, डायरेक्टली अपलोड नहीं होते। वो तो आप बात ठीक है सर, आप कह रहे हो वो कोऑर्डिनेशन जो कोड है वो सही नहीं है, फिर ये जोंग वालों ने कैसे सही करे उनको? एज इट इज जिस तरह रिमार्क्स थे मैंने आपको वही बताया, एड्रेस भी मेंशन कर दीजिए कोऑर्डिनेट्स की अमरा, और जो दीगर चीजें मांगी गई है वो भी प्रोवाइड कीजिए। जो हेल्पलाइन वाले हैं उनको मालूमात दी है, कंप्लेंट भी की है, लेकिन उधर से कुछ भी नहीं हो रहा, उनको मालूमात है उस एरिया की, लेकिन वो हो कुछ नहीं रहा। लेकिन आप फिर भी कहते तो हम दोबारा ट्राई करेंगे उधर से, फिर दीजिएगा पीटी कंज्यूमर सपोर्ट सेंटर कॉल करने का शुक्रिया। इस पे कंप्लेंट शो हो रही है, इसमें 18 मई को लास्ट वो शो कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करी हुई है उसमें आ रहा है कि कॉल पैक की थी और उसमें बस उसमें डन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो आपने कवरेज की इस नंबर के अकॉर्डिंग में अगर मजीद की बात की है तो मैं आपको कैट कर दूँ, थोड़ा वेट करें। सच कॉल की थी आपकी टीम है, लेकिन कॉल मैं नहीं अटेंड कर सका। जी वेट करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारी टीम पर्सनल अगर विजिट करना चाहे तो फिर अगर आप उनको रिस्पॉन्स ना करें तो फिर वो इस वजह से आपसे रब्ता कर रहे होते हैं ताकि आप उनको रिस्पॉन्स दें। सर जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर जी हमारी जहाँ से आगे 6 किलोमीटर एक लोकेशन है द्रामा सर, उस एरिया के अंदर पहले से आपका टावर लगा हुआ है, लेकिन एक और नया टावर उस एरिया में दे रही है, वो भी एक गांव है हमारे जिस तरह गाँव है, लेकिन इस एरिया में सर्विस सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टीम इस एरिया में कुछ नहीं कर रही, जहाँ ऑलरेडी सर्विस है उधर दे रही है। आपकी साइट सिस्टम ने डेरा गाजी खान पे साइट सिस्टम में क्लियर शो किए रास्ते मेरे मजीद भी मैं तो चेक करवा देता हूँ जी। और फ्रेंचाइजी कई बार गए जो सिग्नल था, जब कई सिग्नल का जो मसला आ रहा है ये दरबार पीर फतेह शाह की साइट का जो मसला आता है, या आप मौजूदा शहर जो गाजी खान कहीं पर भी जाए तो हर जगह यही मसला आता है? नहीं सर, हमारी लोकेशन के अंदर मसला आ रहा है, ये दरबार पीर फतेह शाह इसी एक जगह पर मसला आ रहा है सर, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए मसला आता है, मतलब इसी एरिया में मसला आ रहा है जहाँ पर अभी आप मौजूद है? जी जी, एक बस्ती समीना है उधर चले जाए उधर सिग्नल फॉल होते हैं, वो तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है हमारे लोकेशन से, दूसरी साइड द्रामा है वो भी 6 किलोमीटर दूर है, उधर भी सिग्नल सही होते हैं, हम बैठे हैं सेंटर में, तीसरी साइड पर जासिंद है, चौथी साइड पर डीजी खान है, डीजी खान शहर जो है 17 किलोमीटर दूर है हमारे लोकेशन से, पता नहीं क्या मसला है, हल भी नहीं हो रहा अभी तक जी।
सर्विस दे रखी है, अब आपके यूजर दूसरे भी यूजर उसी नेटवर्क के ऊपर जा रहे हैं। आप इस शहर में टावर दो या सर्विस को बेहतर करो ताकि हमें सर्विस तो मिले। अब साफ दे रहे आपका नेट सही होता है शहर में, तो इधर आप नेट की सर्विस दोगे और जो ना अपनी टीम भेजो सिमें वगैरह भी भेजे इधर, ना तो सिमें बेच रहे हैं इस एरिए में, ना जो है ना सर्विस दे रहे हैं, ना इधर जो है ना नेट चलता है। कंपनी ने इधर सिमें भी दे रखी है और सिमें बेचने के लिए भी आ जाती है टीम उनकी। इसके अलावा डिवाइस भी रखी हुई है, नेट भी सही है, उनके कॉल भी सही है। सिग्नल जो फोन आप 0305 को यूज कर रहे हैं, मेरे पास इसके जो फोन आ रहा है बेल्को का फोन आ रहा है, छोटा बटन वाला फोन आ रहा है, ये फोन यूज कर रहे हैं ना? जी सर। आमतौर पर जब लाइट जाती है या आमतौर पर जब सिम के सिग्नल कम होते हैं तो उस टाइम कितने सिग्नल रह जाते हैं आपके पास? लाइट चली जाए तो एक दो सिग्नल आ जाते हैं। ओके ठीक है सर। और व्यक्ति हार्ट टाइम मसला रहता है या कुछ सिग्नल का या कुछ मखसूस टाइप का ज्यादा मसला रहता है? जो सिम के सिग्नल का मसला है ये सिर्फ लाइट जाने पर आता है या हर टाइम ये मसला आता है? सिग्नल का मसला लाइट जाने पर आता है, इंटरनेट हार्ड आना तो मसला होता है। जी सर। नॉर्मल लाइट आ जाए तो फिर सिग्नल ठीक होते हैं? जी जी लाइट आ जाए तो फिर कुछ सिग्नल आ जाते हैं। पीर फतेह शाह जी, दरबार पीर फतेह शाह। कितने टाइम से आ रहे? जी सर। लाइट जाने का मसला कितने टाइम से आ रहे? सर बारिश आ जाए तो एक दो दिन लाइट गायब हो जाती है, वैसे जो है ना लोड शेडिंग जो होती है पूरा दिन दो तीन घंटे होती है, कभी रात को होती है कभी नहीं होती। और हम डीजी खान भी गए थे आपके जो नुमाइंदे, उन पर रब्ता किया तो उन्होंने कहा उस एरिया में हम जनरेटर लगवा देंगे जो जरा बढ़ रहे हैं आपके। और इसमें अभी मैं मसला कितने टाइम का लिखूं कि कितने टाइम से शो आ रहा है लाइट जाने का, एक महीना साल कितना टाइम? सर जी तकरीबन चार माह हो गए, एक साल पहले तो इमरजेंसी नो सर्विस था इस एरिया में। कोशिश है आप इस एरिया में नेटवर्क जल्द से जल्द बेहतर करो और जो है नई सिमें भी इधर सेल करवाओ ताकि आपका नेट डीजी खान शहर में सही है, इधर भी लोग इस्तेमाल कर सके नेट। वो नादरा है नहीं, वो भी वापसी चली गई सर। जी जी मैंने आपके नंबर की लाइट जाने की कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को भिजवा रहा हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। जी सर। मैं कंप्लेंट करवा दी, इंशाल्लाह डिपार्टमेंट 48 घंटे में इशू चेक करके आपको इस कंप्लेंट का मुमकिन फीस। सर डेरा गाजी खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह है, ये तकरीबन 2021-20 से मुसलसल कंप्लेंट करवा रहे हैं, अभी तक मसला नहीं हुआ। मुल्तान मैन ऑफिस भी गए, हेल्पलाइन पर भी रब्ता किया लेकिन मसला नहीं हुआ सर जी अभी तक हमारे इलाके में। जो आपने आपको जो लोकेशन बताया ना, आपने तो सिर्फ डेरा गाजी खान लोकेशन लिखी, दरबार पीर फतेह शाह सर यहाँ पर बिल्कुल कवरेज का इशू है। ठीक है जी। यहाँ पर 4G जो है ना बिल्कुल लो इंडोर कवरेज है, 4G के रिलेटेड आप अगर देखा जाए ना तो सर यहाँ पर कवरेज का बिल्कुल इशू है। ठीक है सर, ये हमने कंप्लेंट मैं आपकी जो है हाईलाइट कर देता हूँ आगे रेलिवेंट टीम को, जो हमारी रेलिवेंट टीम है जो डिपार्टमेंट हमारा वर्क कर रहे हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपका मसला हल कर दिया जाएगा। सर जी हमें जो है ना चार साल हो गए मुसलसल कंप्लेंट कर रहे हैं, मैन ऑफिस आपके मुल्तान भी गया है और डीजी खान भी गया है लेकिन मसला नहीं हुआ। आपकी टीम डीजी खान शहर को न्यू टावर दे रही है लेकिन हमारे इलाके में अभी तक मसला नहीं हुआ, या तो आप न्यू टावर दो या दूसरी कंपनी ने टावर लगा रखा है उसके ऊपर टावर शेयरिंग आप लगा दो ताकि आपका भी खर्चा कम हो हमें भी सर्विस मिले, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नादरा वह नहीं वो भी वापसी चली गई इसी नेटवर्क इश्यू की वजह से, आप लोग सर्विस को बेहतर नहीं कर रहे, लोग आपका नेटवर्क इस तरह छोड़ रहे हैं। अभी तक तो नहीं हुआ, तीन चार साल हो गए मुसलसल कंप्लेंट करवा रहे हैं। सर जी
सब जो टावर लगा हुआ है दूसरी कंपनी का उसके ऊपर बोस्टर वगैरह लगवा ले ताकि हमारा मसला हल हो ना। अब तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए सर, या तो न्यू टावर दो या डेरा गाजी खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह, जब लाइट होती है तो सिग्नल आते, लाइट नहीं होती तो सिग्नल इमरजेंसी आ जाता है। कौन से शहर से बात कर रहे हैं? बीजी खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह गाँव है सर। मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी सर। दोनों इशू आ रहा है सर, जब लाइट होती है तो सिग्नल फुल होते हैं, लाइट चली गई तो इमरजेंसी नो सर्विस आ जाता है। मालूम जी सर, जो आपका टावर है वो सिर्फ वादा पर चलता है। तेरा का दिखा इलाका पीर फतेह शाह सर, होटल में चेक करो। मेन शहर डेरा गाजी का है, जिस एरिया में रहते हुए इशू आ रहा है पीर फतेह। जी सर, मुझे मालूम चेक करो। रात 1 बजे सर लाइट चली गई और सुबह जो है ना 3 बजे आई, पूरा दिन सिग्नल आज नहीं थे। मुझे मालूम चेक करो करने के लिए। जी सर, मुझे मालूम चेक करो करने के लिए। अभी मोबाइल फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? टेक्नो L7। ठीक है, चेक करो करने के लिए हो रहा है। मोबाइल रेंज चेक करने का मकसद होता है कंफर्म करना कैसा रेसो शो आ रहा है। जी सर, कल तो बात कीजिएगा सर। जी पहले हमारे पास समीर सिद्धार्थ से सिग्नल आते थे सर, मुझे मालूम चेक करो करने के लिए सर, बिल्कुल परेशान ना हूँ। ड्रेन होती है बहुत भी ऐसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह था। सर डेरा गाजी खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह है, तकरीबन 1 साल हो गया आपकी टीम ने न्यू टावर लगाया है, 2 साल पहले इमरजेंसी नो सर्विस था हमारे इलाके में, हमने कंप्लेंट वगैरह आपको करवाई थी, टावर तो लग गया है लेकिन जब लाइट होती है तो वो चलता है, लाइट चली गई तो सिग्नल भी चले जाते हैं। एक तो ये सूरत हाल है, दूसरा सर इंटरनेट नहीं चलता, यूजर बढ़ गया है और टावर के ऊपर जो बोस्टर है वो पता नहीं काम है क्या चक्कर है, जिसकी वजह से इंटरनेट सही नहीं चलता। नंबर यही है जिससे कॉल करें आप सर? जी सर ये भी है, और भी नंबर है मेरे पास तो 4 नंबर है आपके, जहाँ से आप लोग ने हमारे इलाके में टावर लगाया है, एक बंदे के पास 4-5 नंबर है, लेकिन ये थोड़ा इशू आ रहा है, अभी तक मसला नहीं हुआ सर। एक बार आपकी टीम आई थी मुल्तान से, वो भी देखभाल कर चली गई थी, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, वो कह रहे थे कुछ इसके अंदर इशू है वो हम मसला करवा देंगे, लेकिन वो UPS लगा के पता नहीं क्या कर गया है, कुछ लाइट चली गई ना अगर 1-2 घंटा चलता है टावर क्या है ये इशू सर, तकरीबन 3 माह हो गया, 1 साल हो गया टावर लगाया, जब न्यू टावर लगा उस वक्त बिल्कुल सब कुछ सही था, और आपकी टीम सर वो जनरेटर भी उतार गई है, पहले जनरेटर लगा हुआ था वो भी उतार गए हैं। इंटरनेट आप किस पे यूज कर रहे हैं सर? इंटरनेट इसी नंबर पर इस्तेमाल करते हैं, एक और नंबर भी है, बीजी खान शहर में जाते हैं तो फिर उस तरह इस्तेमाल करते हैं, उधर स्पीड सही होती है। तो इशू आ रहे हैं यहाँ पे, अभी आप कौन से शहर में? अभी सर बीजी खान शहर में सर, सिग्नल हमारे पास फुल आते हैं, हम टावर के साथ बैठे, अगर 1 किलोमीटर से आगे चले जाए उधर फिर सिग्नल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, हैंडसेट 4G है और सिम भी 4G है, कवरेज भी 4G लिखा हुआ है हमारे इलाके में, टावर के साथ बैठे हैं, अगर थोड़ा 1 किलोमीटर आगे चले जाए फिर वो जो है ना दूसरी साइड से सिग्नल आते हैं और जो टावर लगा उसके सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। जी सर, रात को सर 12-1 बजे नेट सही चलता है, 1 MB 2 MB 800 KB, दिन को 5 KS इसी तरह होता है सर। जी चलता नहीं है, स्लो चलता है नेट। वेट कीजिएगा, कहने का शुक्रिया। ऐसे कीजिए *77701# हैश डायल कीजिएगा, उसके बाद *77700# ठीक है सर? *77701# जी सर, और *77 एक मिनट सर, जी सर *77700 सर डायल कर लिया। जी डायल कर लिया है, अभी नहीं कॉल के बाद कीजिएगा, पहले *77701# डायल कीजिए, उसके बाद *77700# डायल कीजिए, और मोबाइल एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं? एंड्रॉइड
एंड्रॉइड की सेटिंग फॉरवर्ड करो, ये परफॉर्म करनी होंगी आपको। ठीक है सर, सेटिंग का इशू होता तो डीजी खान शहर में क्यों चलता है ना सर? सर सेटिंग बस यहाँ पे जो है आपकी जो है ये कोड का इशू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप हमारे हैं, आपके पास कवरेज भी जो है 4G है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 4G एक्टिवेट नहीं आ रहा। जी सर। ठीक है, तो होपफुली यही इशू आ रहा हो। वेट कीजिएगा, मैं सिम देख लेता हूँ। सिम पे ऐसा आता है या नो आता है? अभी जो नंबर बताया इसके ऊपर नो आता है। सिम आपको दूसरी लेनी होगी 4G सिम। और ये कोड डायल करने होंगे, उसके बाद और फिर मोबाइल ऑफ करके ऑन कीजिएगा, चलो प्रॉपर हो जाएगा। और मोबाइल की मेमोरी, इसकी कैशेस कुकीज और जो है सर जी, चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। दो नंबर मैंने आप उस एरिया में नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से सर देखें ऑनलाइन चेक करना होता है। ठीक है जी सर जी, तो मैंने यहाँ से चेक किया है, मेरे पास जो मेन इशू आया है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, जिस टाइम आप वहाँ अवेलेबल हो ना उसी वक्त आप कॉल कीजिए, और वहाँ से फिर हम यहाँ से फिर हम चेक करेंगे कि इशू क्या आ रहा है। असल में आप सिग्नल का भी बता रहे हैं, कवरेज का भी बता रहे हैं, स्लो ब्राउजिंग का भी बता रहे हैं, तो मेन वहाँ से कॉल करेंगे तो फिर हमें जो है प्रॉपर हो पाएगा कि हमने कंप्लेन कौन सी करनी है। जी ठीक है, अच्छा जी। तो अभी तो फिलहाल इसकी डुप्लीकेट 250 रुपए की निकलती है सिम। आपने ओरिजिनल कस्टमर ने ओरिजिनल CNIC के साथ विजिट करके शनाख्ती कार्ड लेके जो है आपने वहाँ से डुप्लीकेट से निकलवा के जो वहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ से कॉल कीजिएगा, ताकि हमारे पास शो हो जाए कहीं आवाज में तो डिस्टॉर्शन नहीं आ रही या जो है कवरेज के सिग्नल का इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है उसी टाइम हमें। ठीक है, चेक करवा लेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश होगी दोबारा से आपके सामने आना। ठीक है, थैंक यू। और कुछ जाना चाहेंगे सर? बस हो गया ना। ये जो है ना एक साल हो गया, एक साल पहले इमरजेंसी नो सर्विस था इस एरिया में, अब 4 माह हो गया आपकी टीम ने वो इंस्टॉलेशन वगैरह की है, अब सिग्नल आ गए, लेकिन जब लाइट हो जाए तो सर सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाए तो सिग्नल भी चले जाते हैं। एक तो ये ऑप्शन है सर। दूसरा सर, दिन को इंटरनेट नहीं चलता, रात को चलता है, 1 MB 2 MB 3 MB स्पीड होती है। जब वो न्यू टावर वगैरह लगाना आपकी टीम ने लगाया उस वक्त स्पीड दिन को भी सही थी और रात को भी सही थी, लेकिन अब यूजर बढ़ गया, एक तो बूस्टर भी कम लगे हुए हैं, दूसरा ये इशू है सर। ये आप क्या नहीं चेक करवाएं क्या इशू है, क्या मसला है? अभी तक मसला नहीं हो रहा, कई बार हेल्पलाइन पर भी रब्ता किया, वो 48 घंटे का टाइम लेते हैं और उसके बाद कॉल करते हैं, वो कहते हैं हमारे अंदर मामला नोटिस में है, लेकिन मसला नहीं हो रहा। 2 माह हो गए, जब लेट करते हैं इमरजेंसी नो सर्विस आ जाते हैं। जी सर, डीजी खान शहर चले जाए उधर सब कुछ सही होता है सर। जी जी सर, शुक्रिया शुक्रिया, ओके सर, ओके करते हैं आप। ठीक सर, ठीक हो तो वैसे ठीक है, शुक्रिया। आपने की थी फिर कम्प्लेन की थी पोर्टल पे कि आपके इंटरनेट नहीं चलता आपके इलाके में? जी जी सर। तो जोंग के वाले से आपको कॉल किया, कहेंगे जोंग में कोई नंबर इस्तेमाल करे यहाँ पे? जी सर, कॉल आई थी, वो 13 तारीख का टाइम दिया था आपकी टीम ने, जोंग का नंबर भी दिया था उसको। कौन सा नंबर दिया था बताओ? जी सर, ठीक है, चेक कर लेते हैं। जी सर, अच्छा सर, वो तो ठीक है, मसला आपका हल हो जाए, गाँव ये आपका पीर पब्लिक शहर के पास है ना? जी सर, चार कलर आपका गाँव जो चार कलर है ना? जी जी सर, वो चार कलर वाला सर, वो इसमें भी मसला हल हो जाए ना, फिर दोबारा डीजी खान की जो कम्प्लेंट करवा दी, वो भी पहले ही मसला हल हो रहा है, दूसरा दोबारा चले। वो सर हेल्पलाइन पर मैंने रब्ता किया था, वो भी कह रहे थे आपका मामला जो है हमारे नोटिस में है, काम मसला हल हो जाएगा इससे पहले काम बताया उसका काम सर, उसके मसला। चले सर, शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। आपकी कम्प्लेंट थी हमारे पास सर, उसमें आपने मेंशन किया हुआ था यूफोन का इंटरनेट का और जोंग का इंटरनेट का भी। जी सर, जोंग के हवाले से बात करें तो जोंग में क्या सहमत हो रही है सर्विसेज के बाद में? जी सर, अब जी एक तो लाइट चली जाए तो सिग्नल भी चले जाते हैं, ठीक है, एंड दूसरा सर इंटरनेट दिन को चलता नहीं है, रात को 1 MB 2 MB 3 MB इसी तरह स्पीड होती है, ये इशू है।
दूसरा यूजर बढ़ गया है, पता नहीं क्या चक्कर है, इसलिए इशू आ रहा है। इससे पहले जो है ना इमरजेंसी नो सर्विस था हमारे इलाके में, एक साल पहले, चार माह हो गया आपकी टीम ने वो टावर कंज्यूमर कर गया, लेकिन जब लाइट होती है तो सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाए तो सिग्नल भी चले जाते हैं। इन द मीन टाइम मुझे अपना नंबर जी सर 0305 97 25। सर ये कन्वर्ल्ड है, आप चेक करें ये जोंग में जी, ये जोंग किनारा शिफ्ट है दो तीन सालों से जी। सर मैं कह रहा हूँ चार माह हो गया आपकी टीम आई इधर हमारे इलाके में सिग्नल देगी, उससे पहले इमरजेंसी नो सर्विस आता था, लेकिन जब लाइट होती है तो सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाए तो सिग्नल भी चले जाते हैं। एक तो इंटरनेट भी बिल्कुल स्लो चलता है, दिन को रात को चलता है, और अपलोडिंग का इशू है, वो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं चलती। एक तो सिग्नल आ रहे थे, हम टावर के साथ बैठे हैं बिल्कुल, और एक किलोमीटर से आगे चले जाए उधर सिग्नल ही नहीं आते, ये इशू है। वो कहते हैं मामला जो है ना हमारे नोटिस में है, मसला हल हो जाएगा, दो तीन बार हेल्पलाइन पर अब तक किया लेकिन मसला नहीं हो रहा। ठीक है, आपके से पहले से हमारे से कंप्लेन अवेलेबल है, एड्रेस मुझे दिए गए थे वो ये दरबार वाला एड्रेस है, यहाँ पर मसला आ रहा है जी। जी सर यही मसला है, चलिए अभी हम इसको चेक करवाते हैं सर, और 40 टावर्स का मैक्सिमम टाइम है सर, इसको हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या इशू किसके हवाले से आपको फीडबैक है जी सर। और सर अगर आपको जीवन दूसरी बात मैं आपको बता दूं, डीजी खान शहर में जो आपके टावर लगे हुए हैं उसके ऊपर पोस्टर भी ज्यादा होते हैं, और जो है ना जो इंटरनेट के वो डिश वगैरह होते हैं वो भी ज्यादा लगे हुए हैं। इधर तो तीन वो पोस्टर लगे हुए हैं और यूजर भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले इस एरिया में सर्विस नहीं आती थी। चार बार हो गया आप लोगों ने सर्विस दी है, लेकिन वो अब यूजर बढ़ गए हैं, पता नहीं क्या इशू है, कोई टेक्निकल इशू है, जो भी मसला है वो मसला हल नहीं हो रहा है। हेल्पलाइन पर भी रब्ता कर रहे हैं, लेकिन आप चेक करवाएं क्या इशू है। अपना नंबर ये वाला आपने ऑफिस में काइंडली, और जो जॉब का नंबर है वो भी आप रखिएगा जी सर, आपके साथ दोनों में नंबर भी हमारे जो कराता हूं। एक बंदे के पास तीन तीन चार चार नंबर है जॉब के, जब से आप लोगों ने सर्विस दिया, एक साल पहले इस एरिया में इमरजेंसी नो सर्विस था तो, लेकिन शहर के अंदर तो आसपास टावर है, और जो है एक टावर बंद है, दूसरा चालू, दूसरा बंद है, तीसरा उधर यूपीएस भी है, जनरेटर भी है, इधर तो न यूपीएस है न जनरेटर है, पूरा इलाका डूब जाता है। सॉरी फॉर दैट, आपको इशू आ रहा था, एक चीज कंफर्म करना चाह रहा था, यूफोन का नंबर है आपका पुराना हमारे पास मौजूद जी, 0335 मेरे पास। ठीक है, और मोबाइल अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, टेक्नो इस्तेमाल कर रहे हैं या 8110 लाइट यूज कर रहे हैं? इस वक्त छोटे मोबाइल का नाम मैंने डाली है। ठीक है, कितना टाइम पहले आपने सिम चेंज किया फोन में से? तीन चार दिन हो गए। सर मैं तब से आ चेक कर लूँगा। ठीक है सर, बिल्कुल सेम चीज इशू में मैंने इसमें मेंशन भी किया है, आप वेट कर लीजिए, मैंने आपको तफसीलात फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वहाँ पे बात कर रहा हूँ जी। मैं जी सर नासिर बात कर रहा हूँ, डेरा गाजी खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह से। अभी मैंने कॉल किया है, वो आपके नुमाइंदे ने कहा आप नेटवर्क के अंदर जाएं, ऑटो पार्क लगाएं, वो मैंने किया है, रीसेट किया है मोबाइल को। हमारे इलाके में जब लाइट होती है तो सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाती है तो सिग्नल भी चले जाते हैं। सर शादी के लिए माजर, कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? डेरा गाजी खान इलाका दरबार पीर फतेह शाह। सर वेट कीजिएगा जी। सर आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है, इससे पहले आपने कॉल की आज की डेट में, और आपकी यानी आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है, जो टाइम आपको दिया गया 48 घंटे का टाइम, आप इसके लिए वेट कर लें, 48 घंटे में आपको फिर से जगह दीजिएगा। ठीक है सर, मैं सर पहले भी कई कंप्लेंट करवाई है, वैसे जुम्मे वाले दिन भी करवाई है। ठीक है, आप 48 घंटे के लिए वेट कर रहे हैं। सर पुराने कंप्लेंट का क्या बना फिर, जुम्मे वाले दिन की उससे 48 घंटे गुजर गए ना? ठीक है, लेकिन आज ये है कि उसमें जो हमारे पास आ रहे हैं जॉन कंप्लीट करें जी सर, बिल्कुल ठीक है। हम डीजी सर्विस की तरफ कंप्लीट मौसम देखी रिगार्डिंग सर्विस की इशू के लिए, कौन सा लोकेशन है सर? हमारे पास डेरा गाजी खान के मेंशन किया गया था, उसमें आपने कुछ कोऑर्डिनेट मेंशन किए थे, वो दुरुस्त नहीं है, तो मुझे कंफर्म कर सकते हैं इसी नंबर पे रेफरेंस पर कंप्लेन ब्लॉक हुई है आपसे मिलकर सुबह 9 बजे के करीब। सुबह 9 बजे के जो कंप्लेंट किया मैं तो कंफर्म करूँ किस आ रहा है। साहब जी इस वक्त मैं जो है ना मुजफ्फरगढ़ की साइड में हूँ।
और हमारी जो लोकेशन है वो डीजी खान दरबार पीर फतेह शाह है, उधर लाइट आए तो सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाए तो सिग्नल भी चले जाते हैं। हेल्पलाइन पर भी अब तक किया, कंप्लेंट की है, लेकिन वो आपकी टीम मोस्ट लेफ्ट टाइम देती है, कभी कहती है 19 मई को मसला हल हो जाएगा, कभी क्या कभी क्या, कभी वो कहती है उस एरिया में इसी तरह सर्विस चलती रहेगी, लेकिन अभी तक मसला नहीं हुआ। कभी वो कहते हैं जैमर लगे हुए हैं, सर जैमर शहर में लगे हुए हैं लेकिन उधर भी सर्विस सही है, लेकिन नहीं है तो हमारे एरिया में सर्विस नहीं है। जी सर, वहाँ पर कंप्लेंट नंबर बताइए, कौन से नंबर पे आपने से पहले कंप्लेंट की, गांव का कोई नंबर मेंशन नहीं है। जी सर, मैं आपको कंप्लेंट नंबर बताता हूँ। सर एक तो मैंने सुबह भी कंप्लेंट की है, ये मुजफ्फरगढ़ वाली साइड से, इस एरिया में भी इमरजेंसी नो सर्विस आ रहा है। आपने वन तो पता ही मुजफ्फरगढ़ के एरिया आपने मेंशन किया है, नियर जामे निसार हदीस, उसी के ऊपर वो आपको पता चल जाएगा ना जो मैंने कंप्लेंट कराई थी। नंबर बताइए। 0305। आपने कंप्लेंट की है? जी सर, ये जोंग का नंबर है। इसी पे आपने कंप्लेंट की थी? जी, इस नंबर से मैंने कंप्लेंट की थी और हेल्पलाइन पर भी रब्ता किया था। आपने कंप्लेंट की थी नियर दरबार पीर फतेह शाह विलेज? जी 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 सर, यही एरिया है। जी सर, यही एरिया है। एक साल पहले इमरजेंसी नो सर्विस था, हमने कंप्लेंट की, 4 माह हो गया, आपकी टीम आई उस एरिया में काम किया, लेकिन लाइट हो तो सिग्नल आते हैं, लाइट चली जाए तो सिग्नल भी चले जाते हैं। एक तो दूसरा, इंटरनेट दिन को चलता नहीं है, रात को चलता है। तीसरा, 1 किलोमीटर से आगे बिल्कुल सिग्नल ही नहीं आते। हम तो टावर के साथ बैठे हैं, जो दूर है उनके पास तो सिग्नल ही नहीं आते कॉल के लिए। हेल्पलाइन आपकी कंप्लेंट। जी सर, चले सर, वो तो ठीक है। और हमारे रिश्तेदार बैठे हैं इधर तहसील मुजफ्फरगढ़ में सर, वो मैंने सुबह कंप्लेंट की है, इस एरिया में इमरजेंसी नो सर्विस आ रहा है, हालांकि आपके टावर भी लगे हुए हैं, वो सुनने में आया वो टावर बंद है। सुबह मैंने कंप्लेंट की है, शायद आपको। जी सर, उसकी लिए पीटीए को कंप्लेंट की गई थी? जी सर, पीटीए कंप्लेंट रहता है, सर बता रहे। जी सर, मैं भी बताता हूँ आपको, सर कॉल भी नहीं होती है, हमारे रिश्तेदार बैठे हैं और हम 2 दिन से इस एरिया में आए हुए हैं। यानी कोऑर्डिनेट भी रखते हैं, ये कंप्लेन आपकी जो है वो अलग नहीं है, मुझे कंफर्म कर रही है किस लोकेशन का मसला आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे मिलना बता दीजिए, मैं उसको चेक करवा लेता हूँ। जी सर, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका, वो जो है ना रेफरेंस नंबर, ये लोकेशन भी बता देता हूँ मैं आपको सर। लोकेशन उसी टाइम पे किया जिससे लास्ट कंप्लेन आपने अभी की है? सर जी, ये जो हमारे रिश्तेदार बैठे हैं उनकी मैं अभी आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ये सर बस्ती दरखान वाला है। एक तो मुझे नंबर बता दीजिएगा, मतलब दूसरा मुझे जानते ऐसा नंबर बताने जो एरिया में इस्तेमाल हो रहा हूँ, मुझे कम कर ले, ये जो आपने इससे पहले कंप्लेन की थी ये अलग एरिया में अलग एरिया? सर जो पहले मैंने कंप्लेंट की है, जो सुबह मैंने कंप्लेंट की है वो मेरे रिश्तेदार हैं और 2 दिन से मैं इसी साइड पर आया हूँ, वो जो मैंने पहले कंप्लेंट की है वो हमारी भाई लोकेशन है, उधर हमारी रिहायशी है। आपकी 3 कंप्लेंट है 8 दिन पे, जो की 3 सेम के साथ है, जिसके लिए 2 रिपेयर कर दी जाएंगी, एक मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं बता दूँ जहाँ पे मसला आ रहा था उसके रिप्लाई के साथ देखेंगे। दिन से इसी साइड पर आया हुआ हूँ जिधर से मैंने अभी आपको लोकेशन बताई है, ये जो मुजफ्फरगढ़ वाली साइड है, जो भी आपने रेफरेंस नंबर बताया है। जी सर, इससे पहले नहीं सर, इस साइड पर फर्स्ट टाइम मैंने कंप्लेंट की है इस साइड से। ये सर बस्ती दरखान वाला डाक खाना बसीरा। जी सर, बस्ती दरखान वाला और डाक खाना बसीरा रही। जहाँ अजब रही, अजब रही। जी सर, और तहसील जिला मुजफ्फर रही। इसके मार्केट का नाम बता दीजिए। ये सर जी चौक गोदर मशहूर है मार्केट।
और सर जी वो कोड भी बता सकता हूँ जो इसका है एरिया का, इस लोकेशन से जो मैंने अभी आपको लोकेशन कोड सेंड किया, इस एरिया में सर जी इमरजेंसी नो सर्विस है, कॉल तक भी नहीं होती है। यहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं कि कंपनी खुद मसला हल करेगी, लेकिन आपको तो पता नहीं है इस एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक तो सर, दूसरा इस लोकेशन से आप चेक कर लें, और भी कंप्लेंट शायद आई होंगी आपके पास, मेरे रिश्तेदार है वो कॉन्टेक्ट नंबर भी आप उठा लेना उसी से। अगर इस साइड पर सर आपके टावर लगे हुए, वो सुनने में आया कि टावर बंद है, पता नहीं क्या इशू है क्या मसला है, जिन से नो सर्विस आ रहा है हमारी टीम से चेक कर लेगी। चलो सर, वो सर जी आप हमारे एरिया का क्या कर रहे हो, डीजी खान का हम रेस्ट हमारी उधर ही है ना, चलो सर जी देखो अब तो हम परेशान हो रहे हैं सर जी, एक टावर है अगर झाड़ में बारिश आ जाए ना पूरा 3-4 दिन लाइट नहीं होती, और जो है ना सर कॉल भी नहीं मिलती, इमरजेंसी नो सर्विस होता है उस एरिया में। शहर में चले जाए 1 किलोमीटर के एरिया में 2-3 टावर नजर आते हैं, अगर उधर लाइट जाती नहीं पहले तो, अगर लाइट चली भी जाए तो फिर एक टावर बंद हो तो दूसरा कनेक्ट, दूसरा बंद हो तो तीसरा कनेक्ट, फिर उधर जनरेटर यूपीएस वगैरह भी लगे हुए होते हैं। हमारे एरिया में तो कुछ भी नहीं है सर जी, जब वो टावर बंद होता है पूरा एरिया ही बंद होता है सर। इंशाल्लाह आप कोशिश करें डीजी खान का, हम आपके यूजर बढ़ जाएंगे अगर आप सर्विस बेहतर करोगे तो। अब देखिए ईद आई थी हमारी, हमने पैकेज लगाया था और चल कुछ नहीं रहा था, फिर हम डीजी खान शहर गए, 60 GB वाला पैकेज लगाया, वही हमने डीजी खान शहर के अंदर इस्तेमाल किया है। अब उधर के जो लोग है ना वो एक बार पैकेज लगवाते हैं, जब चलता कुछ नहीं है फिर वो दोबारा पैकेज ही नहीं लगवाते। सर जी आप लोगों ने खर्चा किया, टावर लगाया, लेकिन वो जो ना आप कहने चेक करवाएं क्या मसला है क्या इशू है, जो अभी तक मसला हल नहीं हो रहा, सिर्फ आपने टीम भेजने चेक करवाना है। हम चेक कर ले रहे हैं, जी सर शुक्रिया शुक्रिया। ये नंबर की कंप्लेंट थी, कवरेज का इशू आ रहा था। जी जी सर कवरेज का इशू आ रहा था, तो मुझे बताइएगा ये जो कुरैशी चौक है ये कितनी दूर है आपकी लोकेशन से? सर ये कुरैशी चौक जो है ना तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर जी सर। अजब वाला, अजब वाला मौजा अजब आ रही है सर ये तो जी, अजब वाला है सर या अजब आ रही है? अजब वाला, अजब वाला सर ये 8 किलोमीटर आ गया है। आप आपका एरिया कौन सा सर, ये जो आपने बस्ती सर ये बस्ती दरखान वाला और अजब अराई नियर ये जो ना चौक गोदर, आपकी साइड चौक गोदर पर लगी हुई है, लेकिन वो काम नहीं कर रही, कभी उधर बसीरे से आते हैं कभी चौक कुरैशी से आते हैं, ये दोनों साइडों के दरमियान में लोकेशन है हमारी। जी सर अगर आपको कोड चाहिए तो सर वो भी मैं आपको बता देता हूँ, गूगल कोऑर्डिनेशन कोड। जी सर लोकेशन तो मिली है। जी सर अभी मैंने सर्विसेज तो चेक किए, सर्विसेज तो नॉर्मल है। चौक गोदर कितनी दूर है आपकी लोकेशन से? चौक गोदर तो 3 किलोमीटर दूर है सर, अभी हम उधर गए थे उधर नेट चल रहा था, अभी हम बस्ती दरखान वाला के ऊपर आए हुए, इधर ना तो नेट चलता है ना तो सिग्नल सही तरीके से होते हैं, अगर हम अंदर एंड रोड चले जाए उधर तो बिल्कुल सिग्नल ही खत्म हो जाते हैं, बाहर आ जाए तो 1-2 सिग्नल आ जाते हैं। ये मेरे नहीं जितने भी इधर दोस्त हैं रिश्तेदार है सभी के ऊपर इसी तरह इशू आ रहा है। जी सर फीडबैक के साथ रब्ता करेंगे वो सर, हमने उधर रब्ता किया है, अभी हम उस टावर के ऊपर गए थे वो कह रहे थे जब न्यू साइट लगी थी उस वक्त जो है ना सर्विस क्लियर थी, अभी वो कह रहे थे ये जो सर्विस टावर आपका लगा हुआ है ये इस जगह से आगे सिग्नल ही नहीं दे रहा। चले आप इतमान रखिए, हम चेक करवा देंगे। जी सर और फीडबैक जो भी होगा
और इस एरिया में आबादी भी बहुत सारी है और आपके यूजर भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको मुश्किलात हो रही है। एक बार पैकेज लगवाते हैं फिर जो है ना दोबारा नहीं लगवाते, क्योंकि आज जदीद दौर में भी जैसे किसी वो जंगल में रह रहे हो, हालांकि आप लोगों ने पहाड़ों के अंदर भी सर्वे दे रखी है 4G। आप सर बिल्कुल जी सर सर्विसेज को चेक करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह रब्ता करेंगे आप। जी सर, वैसे सर हमारी रिहाइश डीजी खान में, उधर आप लोगों ने सर्वे दे दिया है माशाल्लाह बिल्कुल ओके है। इधर 3 दिन से हम इधर ही आए हुए हैं, इधर मुश्किलात आ रही है इनको, तो ये कह रहे थे आप कुछ करें, मैंने कहा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। हाँ सर आप लोग हाँ उधर हमारे एरिया में 4G सर्विस दे दिया है, उधर नेट भी सही चलता है, कॉल भी सही होती है। अब ये जो हमारे रिश्तेदार हैं उधर आते हैं वो कहते हैं आपके एरिया में तो सही चल रहा है सब कुछ, आप लोगों की हाँ एक साल पहले उस एरिया में इमरजेंसी नो सर्विस था हमारे एरिया में, आप लोगों ने उधर बेहतरीन सर्विस दिया है, लेकिन ये हमारे रिश्तेदार हैं ये परेशान हो रहे हैं, इनके ऊपर सर कुछ मेहरबानी करें। आज देखिए जदीद दौर है, इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन ये जो है मुनकता है इंटरनेट से, ये एरिया वाले जो है आपकी साइड भी लगी हुई है और जो भी मसला है टेक्निकल इश्यू है वो आप बेहतर करवाएं, या इस साइड के ऊपर सर बोस्टर वगैरह चेंज करवा दें, जो भी इश्यू है वो आपकी बेहतर टीम जानती है। जी सर शुक्रिया। और भी कंप्लेंट आई होगी, वो हमारे दोस्त वो भी करा रहे हैं, रिश्तेदार वो भी करा रहे हैं, उनके पैकेज भी लगे हुए हैं, अब उनको नेट चलाने के लिए उसी टावर के नीचे जाना पड़ता है, हालांकि 3 किलोमीटर तक तो रेंज होनी चाहिए मैक्सिमम। आपकी बात सुन, मैंने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी है, आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वेट कीजिए। जी सर चेक करवाते हैं और फीडबैक के साथ आपका गिरेंगे।